म्यूजिक फैमिली में ही था। मेरे पिताजी गाते थे, शौकिया गाते थे, पर गजलें उन्हें बहुत पसंद था गाना। और मेरे काका तबला प्लेयर हैं खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में, वो सीखे भी और वहाँ सिखाया भी। और उसके बाद में प्रोफेशनली मैंने अपने घर में, शायद मैं दूसरी इंसान हूँ जिसने म्यूजिक को प्रोफेशनली अपना करियर चूज़ किया। और उसके बाद में मेरे कज़िन हैं, बहुत अभी बहुत यंग हैं, और वो भी बहुत टैलेंटेड है और अपना करियर म्यूज़िक में परस्यू करना चाहते हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि परिवार में म्यूज़िक तो था लेकिन प्रोफेशनली कम था। और उसके बाद अगर बात करें कि रीवा से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, मुझे तो जर्नी बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि रास्ते में आप बहुत कुछ सीखते हुए चलते हैं। और रीवा में जब मैं यहाँ से मुंबई गई थी, 2008 की बात है, 2008 के पहले का जो यहाँ माहौल था, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जितनी आज हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु आर टेकिंग इट वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी नाइसली। पहले म्यूज़िक में जाना था तो बहुत सारे इधर उधर के लोग कहते थे कि म्यूज़िक में जाओगे कोई करियर नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी मदर कहती थी कि म्यूज़िक में कोई ऐसी एक जॉब नहीं है आजकल सिक्योर्ड जो तुम्हें मिल सकती है, और ये कितना मतलब इनडेफिनेट है, तो तुम कैसे अपना करियर इसमें बनाओगी। लेकिन फिर भी मैंने चूज़ किया और उन सब ने मेरा सपोर्ट किया। तो तब हालात बहुत अलग थे, और पता नहीं कैसे मैं लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड के लिए गई थी इंदौर, और वहाँ से सारेगामा हुआ। एंड देन आई वेंट टू मुंबई 2008 में, और उसके बाद, और जर्नी अभी भी शुरू है, चालू ही है। बहुत खूबसूरत सफ़र था। पहले पहला मेरा बॉलीवुड का प्लेबैक जो था, वो उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में एक ठुमरी मैंने गाई थी। सचिन जिगर का म्यूज़िक था और इसक नाम था फिल्म का, उससे मेरी शुरुआत हुई। मेरा पहला बॉलीवुड सॉन्ग था। उसके बाद में काफ़ी सारे गाने मैंने फिल्मों के लिए भी गाए, और गज़लों का सफ़र तो चल ही रहा है। उसके बाद में मैंने सलीम सुलेमान साहब के लिए उमराव जान अदा के लिए मैंने गाया, मणिकर्णिका में गाया शंकर एहसान लॉय सर के लिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंपोज़र्स के लिए मैंने गाया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिन लोगों का भी मैंने अभी नाम लिया है, ये लोग इतने गुणी और इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि इन लोगों के साथ में रहना मात्र ही अपने आप में एक अचीवमेंट लगता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना म्यूज़िक को इतने करीब से देखा है, और इतना इतने सालों की तपस्या है ये कि इन लेजेंड्स को देखकर ही इतना सीखने को मिलता है। तो उनके साथ काम करना वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वैसे म्यूज़िक में होने के कारण मैं चहेती ज़रूर थी बहुत सारे टीचर्स की, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा नंबर्स पता नहीं किसी ने दिए हो तो मुझे बताया नहीं कभी, लेकिन मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। और म्यूज़िक में मुझे मेरे जो टीचर्स थे, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे टीचर्स मुझे हमेशा सही सही दिशा में जाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, और मुझसे स्ट्रिक्ट भी रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद मैं हार्ड वर्किंग हूँ या फिर मुझे वो और तरक्की करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए वो लोग स्ट्रिक्ट भी होते थे। और मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा नंबर दिए होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। तो अभी मैं सोच पा रही हूँ कि शायद उन्होंने कभी मेरे ऊपर मेहरबानी भी की हो। लेकिन शरारतें तो मैं ज़्यादा करती नहीं थी, मैं अच्छा बच्चा थी जब मैं स्कूल कॉलेज में थी, और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी। लेकिन मुझे याद है कि मेरे प्रिंसिपल सर जो थे, जब 11th क्लास में हम हमारे टाइम पे, जब 11th क्लास में आप अपनी सब्जेक्ट चेंज करते हैं कि अब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था, क्योंकि अपेरेंटली आई हैड टू बिकम एन इंजीनियर। लेकिन फिर एक साल बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं इंजीनियरिंग और म्यूज़िक दोनों साथ में नहीं कैरी कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग हैं।
तब मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद ही बुलाकर बोला कि तुम दोनों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो, और आई वुड सजेस्ट कि तुम म्यूज़िक में ही आगे अगर करियर बनाना है तो म्यूज़िक में ही जाओ। तो ये उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर किया था, एंड देन आई वेंट इनटू म्यूज़िक फुल्ली। सो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट दैट आई कैन रिकलेक्ट। दरअसल संगीत में ज़्यादा समय बीतता था, इसके लिए डांट बहुत बार पड़ी है पेरेंट्स से, लेकिन रियाज के लिए डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैं रियाज बिल्कुल नहीं करती थी। और मुझे आज तक भी डांट पड़ती है घर पे कि तुम रियाज नहीं करती हो, लेकिन जिस तरह से रियाज करना चाहिए उस तरह से शायद मैंने बहुत ज़्यादा रियाज कभी भी नहीं किया, लेकिन उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है, और मैंने इसीलिए शुरू भी कर दिया है। लेकिन हाँ, मुझे रियाज करने के लिए पहले भी डांट पड़ती थी और अभी भी डांट पड़ती है, और म्यूज़िक में ज़्यादा वक्त बिताने के लिए बचपन में डांट पड़ती थी क्योंकि तब पढ़ाई में उसका असर पड़ता था, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं म्यूज़िक में बिजी रहती थी तो अपने एकेडमिक्स में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी जितना देना चाहिए। बट थैंकफुली मैं पढ़ने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्क्स उस म्यूज़िक की वजह से कुछ कम आए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ थैंकफुली। लेकिन और परिवार का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है मुझे, अगर बात करें म्यूज़िक में ओवरऑल सपोर्ट की, जैसे कि मैं अभी भी म्यूज़िक में पूरा 100% टाइम अपना इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा परिवार, चाहे वो दोनों परिवार, चाहे वो इन लॉज का परिवार हो या फिर मेरा मेडन फैमिली हो, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आई थिंक वही लोग मेरी बैकबोन है जो कि जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे से अपना टाइम म्यूज़िक को दे पा रही हूँ। कड़ी में आपको एक और गज़ल सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इसे बचपन से ही सुनती और गाती आ रही हूँ। तो आप सबके लिए ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बहादुर शाह जफर साहब का लिखा हुआ कलाम है। जादू जादू
क्या जादू उनकी आँखों ने खुदा जाने किया, क्या जादू के तबीयत मेरी माए कभी ऐसी के तबीयत मेरी माए कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। थैंक यू। मैं बचपन से ही मेहदी हसन साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, और ये भी मेहदी हसन साहब की ही गाई हुई थी। आगे जो आपको एक और गज़ल सुनाने वाली हूँ, ये एक फिल्मी गज़ल है जो कि मेहदी हसन साहब की गाई हुई है और मंसूर अनवर साहब की लिखी हुई है, तो आप सबके लिए इसके भी दो लाइनें सुनाती हूँ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।